अल्मोड़ा में विजिलेंस टीम को उस समय बड़ी कामयाबी हाथ लगी जब विजिलेंस टीम ने राष्ट्रीय राजमार्ग खंड लोक निर्माण विभाग रानीखेत में तैनात दो अधिकारियों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल रानीखेत निवासी विक्रम शाह ने विजिलेंस को शिकायत दी थी कि बार के लाइसेंस के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग खंड लोक निर्माण विभाग से NOC के नाम पर कार्यालय में तैनात अधिशासी अभियंता महिपाल सिंह कालाकोटी और सहायक अभियंता हितेश खंडपाल 1,00,000 रुपए की डिमांड कर रहे हैं। वादी की शिकायत के बाद विजिलेंस की टीम ने पूरे मामले में जांच करते हुए 1,00,000 की रिश्वत के साथ दोनों कर्मचारियों को गिरफ्तार किया। आज हमारी टीम ने रानीखेत में ट्रैप किया है जिसमें NH के XCN और AE को रेड हैंडेड पकड़ा है पैसे लेते हुए। बेसिकली जो शिकायत करता है हमारे वो अल्मोड़ा के रहने वाले हैं, उन्होंने शिकायत ये की थी कि उनका बार बन रहा है उसके लिए NOC देने के लिए इन्होंने पैसे की डिमांड की थी। इस चीज़ को हमने वेरीफाई किया, वेरीफाई करने के बाद हमारी टीम यहाँ पर आई है और उन्होंने इनको ट्रैप किया है। तो इसके बाद अगला स्टेप क्या रहेगा? देखिए, इनको कल न्यायालय में पेश किया जाएगा, उसके बाद माननीय न्यायालय के आदेश के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसमें कुछ रकम भी वसूल हुई है? देखिए, इसमें 1,00,000 रुपए की इन्होंने डिमांड की थी और उस पर ही ट्रैप किया है और रेडेंडेड। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और इस मामले में दोनों से पूछताछ की जा रही है। पंजाब केसरी TV के लिए अल्मोड़ा से निर्मल उप्रीति की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।